Good morning, all the students. Previously, we have discussed the short answers of chapter 3, Fiber to Fabric. Today, we are going to learn the long answers of the chapter, that is answer in 30 to 40 words. So, the first question is, describe various steps involved in the wool production. Wool production ke liye kaun-kaun se steps hote hain, uske baare mein hum discuss karenge. First step hai aapka shearing. शेयरिंग में बेटा क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, शीप की जो फ्लीस होती है उसको रिमूव करते हैं, साथ में एक पतली सी लेयर होती है स्किन की, उसको भी रिमूव करते हैं. सो इट इज़ द रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन. सेकंड है आपका ग्रेडिंग. अब शेयरिंग हो गई, अब उसकी हम ग्रेडिंग करेंगे. इस स्टेप में क्या होता है, वूल को सेपरेट करते हैं फोर कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. जैसी क्वालिटी होगी वैसी उसको कैटेगराइज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग. थर्ड स्टेप है हमारा स्कोरिंग. इसमें क्या होता है, वूल में कुछ आपकी कुछ इम्प्योरिटीज या कह सकते हैं कुछ डर्ट या डस्ट होती है, ग्रीस लगा होता है उसको, उसको क्लीन या रिमूव करते हैं. तो स्कोरिंग में क्या करते हैं, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज है, जो भी आपका डर्ट डस्ट है, उसको हम रिमूव करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग स्टेप. इसमें क्या होगा, फ्लीस को सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स कलर, क्रिम एंड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के, क्रिम के और कलर के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, उसको हम छाटेंगे, अलग करेंगे. ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा डाइंग एंड स्पिनिंग. तो डाइंग मतलब फाइबर्स जो आपके होते हैं, हम उसको मोस्टली वाइट कलर के ही होते हैं, तो हम उसको अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं, और हम उसको स्पन करके यानी उसको बुन के हम उसको वोवन करके और वूलन क्लोथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकेंड है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ. अब यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल पढ़नी है सिल्क मॉथ की. लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ स्टार्ट्स व्हेन अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स. ये तब स्टार्ट होती है जब भी फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एग ले करती है. पहला स्टेज होता है उसमें एग का, एगलेस का. अ फीमेल मॉथ लेज 300 to 400 एग्स इन अर्ली समर. जैसे समर आती है तो ये आपकी फीमेल मॉथ क्या करती है, 300 से 400 एग्स को ले करती है. ठीक है, दीज एग्स आर कैप्ड इन द इनक्यूबेटर. इन एग्स को इनक्यूबेटर में रखा जाता है जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है ताकि वहाँ पे हैचिंग हो सके और उस वो आपका फुल लार्वा में कन्वर्ट हो सके. स्टेज टू में क्या होगा, सिल्क वॉर्म होगा. अ हेरी सिल्क वॉर्म अराइज. तो उन्हें एग से क्या होगा, जो आपका हेरी सिल्क वॉर्म है वो निकलेगा आफ्टर द एग्स क्रैक. जब वो एग्स क्रैक होंगे तो हेरी सिल्क वॉर्म रिलीज होगा. दे आर देन फेड विद द मलबरी लीव्स. फिर उनको बहुत सारे मलबरी लीव्स को खिलाया जाएगा. नेक्स्ट है आपका स्टेज थ्री, दैट इज कॉकून फॉर्मेशन. इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म स्पिन्स प्रोटेक्टिव कॉकून अराउंड इटसेल्फ. तो इस स्टेज में क्या होगा, सिल्क वॉर्म अपने चारों ओर क्या कर लेगा, कॉकून को स्पिन कर लेगा. ठीक है, रोल कर लेगा. स्टेज फोर आती है उसमें पूपा का डेवलपमेंट होगा. इन दिस स्टेज पूपा इज किल्ड इन बॉइलिंग वाटर. जो पूपा है उसको बॉइलिंग वाटर में हम उसे किल करेंगे ताकि वो है आपका कॉकून से सिल्क जो है आपका रिलीज हो सके. लास्ट स्टेज में आपका मॉथ का डेवलपमेंट होगा. इन दिस स्टेज पूपा जो है आपका चेंज हो जाएगा एक एडल्ट मॉथ में. अब मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखाना चाहता हूँ. सी, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ. दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर साइंस फेयर नोटबुक. ओके, द अपोजिट साइड ऑफ द आंसर. ओके, सो दिस इज द एग्स. ये मलबरी लीव्स के ऊपर ये एग्स हैं. ठीक है, इसके बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लार्वा में. ये लार्वा आपका बन गया. ठीक है, ये तब बनेगा जब ये मलबरी लीव्स खाएंगे. लार्वा फर्दर फीडिंग करने के बाद पूपा में डेवलप होगा. फिर पूपा से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एडल्ट मॉथ में. बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल है, आप इजीली आप उसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज नेम 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड वूल प्रोड्यूस बाय देम. आपको 5 तरीके के एनिमल्स बताने हैं जो आपके वूल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, फर्स्ट है आपका द वूल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट. अंगोरा गोट से जो आपको वूल फाइबर मिलता है उसको मोहायर कहते हैं. ये जो फाइबर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं. जाड़ों में हम विंटर्स वाले कपड़े बना सकते हैं, उसके फ्लफी होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. ठीक है,
सेकेंडली कश्मीरी गोट क्या करेगी, कैशमीर वूल फाइबर को प्रोड्यूस करेगी जो कि आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, ईजी टू डाई, डाई करने के लिए बहुत ईजी होते हैं, मतलब उस पर कलर हम अलग अलग कलर दे सकते हैं उस फाइबर को, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। कश्मीरी जो गोट से मिलने वाला जो कैशमीर वूल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट है हमारा द फाइबर्स ऑफ एल्पका लामा एंड कैमल, जो एल्पका और लामा और कैमल के जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, वो भी वार्म होते हैं, और जो ये लाइट वेट होते हैं, मतलब ज़्यादा भारी नहीं होते, आप कंफर्टेबली उसको पहन सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ कपड़े बड़े भारी होते हैं तो आपको पहनने में बड़ा दिक्कत होती है, बट ऐसा इसमें नहीं है। सो एक शॉर्ट हम क्विक रिविजन करना चाहते हैं, इसमें हमने आज देखा कि कुछ हमने स्टेप्स पढ़े थे वूल प्रोडक्शन के, कि किस तरीके से वूल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडली हमने देखा था यहाँ पे कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आई थी, और डायग्राम भी हमने देखा था यहाँ पे। लास्ट हमने फाइव एनिमल्स के बारे में जाना था, जिस तरीके के वो वूल्स देता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। आई होप ये आज की जो लॉन्ग आंसर्स हैं आपकी समझ में आ गए होंगे बेटा। सो यू हैव टू राइट दीज लॉन्ग आंसर्स इन योर फेयर साइंस नोटबुक इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, ओके, सो दैट आई कैन चेक प्रॉपरली। थैंक यू।